पुलिसकर्मी व अधिकारी का नाम जुबान पर आते ही कड़क मिजाज और अनुशासन कर्मी की छवि लोगों के जहन में आती है, लेकिन कोरोना महामारी के इस वर्तमान दौर में शिमला ट्रैफिक पुलिस एक मसीहा के रूप में सामने आई है। इन दिनों ट्रैफिक पुलिस अपना पैसा इकट्ठा कर गुरुद्वारा साहिब में जरूरतमंदों के लिए राशन व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रही है। शिमला ट्रैफिक पुलिस इन दिनों बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रही है। सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करते वक्त जो पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी बजाते हुए पूरे अनुशासन में रहते हुए सख्त अंदाज में दिखाई पड़ते हैं, वही पुलिस कर्मी कोरोना वायरस के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों के लिए किसी फरिश्ते की तरह काम कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अपना पैसा इकट्ठा कर राशन और जरूरी सामान खरीदा और गरीबों और जरूरतमंदों के लिए गुरुद्वारा साहिब में दान किया। कर्फ्यू लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने दूसरी बार ये पुनीत कार्य किया और जरूरतमंदों की अपनी ओर से मदद की। डीएसपी ट्रैफिक कमल वर्मा ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए गुरुद्वारा साहिब में राशन और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की है। इस मुश्किल की घड़ी में पुलिस जो है सभी लोगों के साथ खड़ी है, तो इस सिलसिले में पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ साथ जो अब एक हमारा सामाजिक कर्तव्य बनता है उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो इसी कड़ी में ट्रैफिक पुलिस द्वारा गुरुद्वारे में जो राशन दिया गया वो ज़रूरतमंदों की के लिए ध्यान में रखते हुए दिया गया। इससे पहले भी इन्होंने हमारे जो जवान हैं अपना पैसा इकट्ठा करके लोगों के लिए चावल, आटा, दाल, तेल, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो सभी गुरुद्वारे में दी थी। तो इसी पहलू में, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इन्होंने आज फिर से गुरुद्वारे में दान दिया है, जिससे कि जो लोगों जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को खाना मिलता है। कोरोना महामारी के प्रकोप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार, प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन व संस्थाएं तो आगे आई ही हैं, साथ ही जिस तरह से शिमला ट्रैफिक पुलिस लोगों की मदद कर रही है वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।